एक भाई को एक्टिंग करने का शौक है। वाह, वो पूछना चाह रहे हैं कि वो एक्टिंग कर सकते हैं। मेरे भाई, एक्टिंग जो है वो, अगर इससे मुराद आप ये ड्रामों में एक्टिंग और मर्दों औरत का इख्तलात कर रहे हैं, तो ये आप एक्टिंग के बगैर भी गलत है, ठीक है ना जी। तो एक्टिंग तो ये बिल्कुल फ्राड है, और इस तरीके से ये झूठे मियाँ बीवी बने होते हैं, ये बिल्कुल इस्लाम में हराम है। और अगर कोई जेन्युइन मियाँ बीवी हैं और वो ड्रामे में काम कर रहे हैं, और उसमें वो खावंद अपनी बीवी को झूठी मूठी भी तलाक दे देता है, तो तिर्मिज़ी में हदीस है कि तीन चीज़ें मजाक में भी हो जाती हैं, निकाह, रुजू और तलाक। ये मजाक में भी हो, ये अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं कि जो फलाने तलाक दे दी, इस तरह के मामलात मीडिया में चलते हैं। तो अगर ड्रामे में भी किसी ने तलाक दी है झूठी मूठी भी, वो तलाक वाक़ हो जाएगी, क्योंकि इस्लाम यानी इस ये दीन नहीं है कि इसका मजाक इस तरीके से उड़ाया जाए। एक्टिंग शैक्टिंग से तौबा करें जी, और एक्टिंग से अपनी पर्सनल ज़िंदगी में भी तौबा करें। कई लोग तो पूरी ज़िंदगी एक्टिंग में गुजार देते हैं, बी बच्चों के सामने उनका और चेहरा होता है, पब्लिक में उनका और चेहरा होता है, और अवाम में उनका और चेहरा होता है, ठीक है ना जी। बाहर के लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते कि यार ये बंदा तो इतना खुश अखलाक है, और अंदर वाले मानने के लिए तैयार नहीं होते कि इससे ज़्यादा बद अखलाक बंदा ही कोई नहीं है, ठीक है ना जी। तो नबी इस्लाम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कालबन बुखारी में या मुस्लिम में, मुझे अब सही रेफरेंस याद नहीं, बल सही हदीस है कि तुम में सबसे बेहतर वह जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है। ठीक हो गया जी, तो एक्टिंग तो बाद आ जाओ।